नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के विज्ञापन के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो हम इस वीडियो में आपको यहां दिखाएंगे कि जेटेट परीक्षा में जो विज्ञापन निकला है उसके लिए सेवा सत नियमावली क्या है। साथ ही साथ आप इसमें देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है पात्रता परीक्षा में कितने प्रतिशत सभी विषयों में अंक में पास करना अनिवार्य है और कितनी यहाँ पर इसकी फी की राशि रखी गई है। तो इन सभी को हम यहाँ इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको हम बता दें कि यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके हमारे चैनल पर यहाँ पर जो है अभी आपके लिए मेगा ऑफर चलाया जा रहा है। प्रथम 100 कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में नामांकन किया जाएगा, जो कि आपका JCERT पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र होंगे। और आगे अभी आपको हम सिलेबस भी दिखाएंगे जो पेपर कटिंग आया हुआ है, तो उसमें आप सारा चीज़ देख लीजिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं आज का पेपर। विविध परिषद रांची, झारखंड अकेडमिक काउंसिल रांची, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना, विज्ञप्ति संख्या 30/2024। देखिए यहाँ पर क्या कुछ आपको दिया जा रहा है। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 एवं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड आदि परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। योग्य एवं अर्हताधारी अभ्यर्थी से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 23/7/2024 से 22/8/2024 तक आमंत्रित किए जा सकते हैं, ठीक है, किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये पेपर का कटिंग है, अभी हम वेबसाइट पर जा करके सारी चीज़ों को अपलोड नहीं किए हैं, इसके बाद हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पेपर को देख लिया जाए क्या कुछ इसमें निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाल दिया गया है, क्लियर हो गया। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म आपके 23 जुलाई से भरे जाएंगे, और कब तक भरे जाएंगे, 22 अगस्त तक भरे जाएंगे, ठीक है। देखिए वांछित अर्हता एवं योग्यता क्या होगी, अर्हता एवं योग्यता, तो देखिए वो भारत का नागरिक हो, एक बार फिर से देखिए यहाँ पर उसी चीज़ को दोहराया गया है जो कि 2013-2016 में भी था। भारत का नागरिक हो, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, प्राथमिक कक्षा और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 शिक्षक के लिए यहाँ पर दिया गया है संशोधन नियमावली निर्धारित योग्यता एवं अर्हता आपका वेबसाइट पर है। वेबसाइट से निकालने के बाद आपको सारा चीज़ यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVGT के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 7% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से छूट का प्रावधान है, आपका 5% छूट है और यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को 7% का छूट दिया गया है। अगला है, अगला पॉइंट आपका, अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व नियम 6(1), 6(2), 6(4) प्रकाशित के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा, परंतु निर्धारित विहित प्रशिक्षण की योग्यता के परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के आयोजन और उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति और स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापन अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जाए। कहने का मतलब है कि अभी आप अगर DLED या BED कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिस समय आपका रिजल्ट निकलना होगा उसके पहले जो है आपको यहाँ पर जैक के द्वारा आपके रिजल्ट का मांग किया जाएगा, उस अवधि में आपको यह देना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको जाकर के रिजल्ट का प्रकाशन हो पाएगा। अगला है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित तिथि योग्यता के अनुरूप सत्यापित है, उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्ति पदाधिकार के पास सुरक्षित रहेगा, ठीक है। आप JTET पास भी कर जाते हैं, लेकिन आप अगर जिस समय तक आप JTET पास कर रहे हैं उस समय तक निर्धारित योग्यता अगर नहीं रखते हैं और पास कर गए हैं तो आपको यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो अंतिम जिस समय बहाली होती है उस समय तक आपको चेक किया जा सकता है। अगला है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का निर्धारण अधिसूचना संख्या 783 दिनांक 15/6/2024
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 के नियम 17 के आलोक में की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता रखते हैं, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे और उनका अभ्यर्थित्व तो रद्द माना जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर न्यूनतम जो है आपको उम्र सीमा में आपका जो है छूट दिया गया है, आप उसको उम्र सीमा को देख लेंगे और उसी के आधार पर जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। अगला, शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप। पात्रता परीक्षा का दो स्तर होगा, प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर का होगा। कक्षा एक से पाँच के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर लेवल वन होगा, कक्षा छः से आठ के लिए उच्च प्राथमिक लेवल टू होगा। प्रत्येक स्तर में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्न होगी। प्राथमिक कक्षा के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा, उच्च प्राथमिक के लिए 2 घंटे 30 मिनट का, और अगर दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो उसको 30 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला है, परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न NCERT, CBSE और राज्य सरकार द्वारा अनुरोध कक्षा 11 से 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। उनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2 या उच्च माध्यमिक स्तर होगा। देख लीजिए, आपको यहीं पर बताते हैं हम, प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता परीक्षा का प्रश्न देखिए NCERT, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, NCERT, CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के कक्षा 11 एवं 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इस पर कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2, यहीं पर समझने का प्रश्न है। आपको जो प्रश्न होगा वो कहाँ से आएगा, देखिए बहुत बार पूछते हैं लोग वो जगह, ये NCERT किताब से आएगा या CBSE किताब का होगा या आपका बोर्ड का, तो JCERT किताब का होगा। तो आपका झारखंड है तो आपको JCERT किताब से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है और अधिकतम कठिनाई स्तर 10+2 रखा गया। अधिकतम मतलब आपको 6 से स्टार्ट करेगा और 10+2 तक का प्रश्न अधिकतम कठिनाई स्तर ये है। ठीक है, अधिकतम निम्न में आपका 6 से भी प्रश्न रहेंगे, 7 से भी प्रश्न रहेंगे, 8 क्लास का भी JCERT से, 9th क्लास, यानी आपको सलाह यही दिया जाता है कि आप JCERT क्लास का कम से कम 6 से 10 तक का यदि आप देख लेते हो तो यहाँ से 100% आपका जो है पासिंग मार्क्स आना फिक्स है। ठीक है, तो हम आपको क्या करते हैं, तो इसके पहले आपने देखा होगा सफलता सीरीज भी चला था, इसके पहले आपने देखा आकलन परीक्षा, इसके पहले आपने सहायक आचार, इसमें सबसे अधिक जो है आपको टेकअप किया गया था JCERT टेस्ट बुक को। ठीक है, और JCERT टेस्ट बुक से जो हमने आपको नोट्स दिया था, आपने देखा होगा कि बहुत अधिक यहाँ पर भीड़े थे, सबसे अधिक अभी तक का जितना चैनल था उसमें सबसे अधिक नोट्स का, अगर किसी का हैंड रिटन नोट्स भीड़ा था तो वो इसी चैनल का था जो कि सबसे ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स भीड़ा था। तो अभी भी आपको जरूरी है सिर्फ और सिर्फ JCERT टेस्ट बुक पढ़ने की, नहीं तो आप कहीं भी जाते हैं वहाँ से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप बहुत अधिक प्रश्न पढ़ेंगे, बहुत अधिक किताबें पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, नहीं तो आप कहिए कि अपने बोल रहे हैं। तो देखिए 11वीं 12वीं सिलेबस पर आधारित होंगे या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो राज्य सरकार कौन है, जैक का है, जैक में कौन किताब चलता है, JCERT का चलता है, तो JCERT का होगा। आप सभी यहाँ से जुड़ जाइएगा, आपको अभी मेगा ऑफर भी चल रहा है, आप सभी देखे होंगे मेगा ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 वाले को 100 कैंडिडेट को 500 रुपये में जोड़ा जा रहा है और 6 से 8 वाले को भी 100 कैंडिडेट को 500 रुपये में जोड़ा जा रहा है। उसके बाद इसकी राशि कितनी हो जाएगी, 999 रुपये हो जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम ऑफर में यहाँ पर आप जुड़ करके व्हाट्सअप ग्रुप से JCERT टेस्ट का हैंड रिटन नोट्स का पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं और पूरा तैयारी कर सकते हैं, जहाँ से 100% प्रश्न आपके श्योर रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर है देखिए आगे आगे और दिया हुआ है, परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नतम प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए क्या क्या लाना अनिवार्य होगा, एक सामान्य जाति के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40%। देखिए यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट दो चीज़ें बातें आती है, प्रत्येक विषय और प्रत्येक खंड अंतर है। प्रत्येक विषय का मतलब हो गया कि अगर मेरा GK है तो GK में 40% लाना है, हिंदी है तो हिंदी में 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर खंड है। ठीक है, अभी जब हम निकालेंगे इसका जैक से उसका विज्ञापन तब उसमें देखिएगा, खंड है तो एक खंड में 2-3 विषय है तो 2-3 विषय मिला के 40 लाना है, 40%। ठीक है, और टोटल मिला करके कितना लाना है जनरल को, 60%। अब देखिए अनुसूचित जाति है तो उनको प्रत्येक खंड में कितना लाना है, 30%, लेकिन मिला करके कितना लाना है टोटल, 50%। अनुसूचित जनजाति हैं तो उनको प्रत्येक खंड में कितना लाना अनिवार्य है, 30%,
लेकिन पूरा मिला करके कितना लाना अनिवार्य है, 50%। तो इस तरह से देखें यहाँ पर खंड की बाध्यता दी हुई है 35% है। तो ये खंड है, आप ये नहीं समझेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट है, तो एक खंड में 2 से 3 सब्जेक्ट होंगे और उसमें लाना है आपको प्रत्येक में 40%। चलिए ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, प्रत्येक परीक्षा के विषय वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, उसका OMR शीट पर चिन्हित करना होगा और अंकों की ऋणात्मकता गणना नहीं की जाएगी, ठीक है। OMR शीट पर होगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा, बहुत ही अच्छा चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्लियर। OMR पर ली जाएगा परीक्षा। तो इस तरह से देखिए, आपको यहाँ पर JTET का विज्ञापन आ चुका है, विशेष इसकी सारी जो डिटेल्स है, सिलेबस है, उसको हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो देखिए, अब आपको लास्ट में बता देते हैं कि 8 साल बाद यह विज्ञापन आया है और आप अपनी मौका को नहीं चुकने दीजिएगा, नहीं तो मौका चुक गया तो फिर दोबारा चला जाएगा। देखिए, आपको बहुत से लोग बहुत जगह से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप सिर्फ JCERT टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। JCERT टेक्स्ट बुक का जो आपके जैक में है और जो सरकारी विद्यालय में मिलते हैं, ठीक है, फ्री में फ्री टेक्स्ट बुक का भी मिलता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर उसको आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सारे का चैप्टर वाइज नोट्स हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, आप जाकर चैनल पर भी देख लीजिएगा, JCERT का पूरा टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज आपको तैयारी करवा रहे हैं। आप यहाँ से 10+2 कठिनाई स्तर को देख लीजिएगा ना, तो आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगा। तो सबसे अधिक अगर कोई रिजल्ट देने जा रहा है तो JCERT टेक्स्ट बुक, और वो भी मेरा चैनल से यहाँ पर जा रहा है। तो आप सभी अभी कभी 500 रुपये फी दे करके आप जुड़ सकते हैं और सारी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।